हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सुबह का दिन है और टाइम हो गया है 10 बज गए हैं। अभी ब्लॉग स्टार्ट किया हमने। गुड मॉर्निंग बोलो सबको। मॉर्निंग यार, उठ के आया था ऊपर से, अभी ये नीचे सो रहा है। हमारी पूजा नाश्ता सब कुछ हो गया है। आज जल्दी नाश्ता कर लिया था हमने आज। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? हमारे गेहूँ ख़त्म हो गए हैं तो हम गेहूँ लेने जा रहे हैं अनाज मंडी। आटा नहीं लेते हैं, हम गेहूं का कट्टा लेते हैं घर पे पीसते हैं। हाँ, घर पे पीसते हैं। अभी हम आए हैं अनाज मंडी, नजफगढ़ की अनाज मंडी है ये। बहुत बड़ी अनाज मंडी है, ज़्यादा अनाज पड़ा रहता है। अब गेहूँ यहीं से लेते हैं, हम अंदर चलते हैं गेहूँ लेते हैं। अनाज मंडी है, अंदर से ऐसे दिखती है कुछ ये ना हो। ये बहुत बड़ी अनाज मंडी है, काफ़ी दूरी में फैली हुई है। ऐसी दिखती है कुछ इस तरह से। फिर यहाँ से हम अनाज लेते हैं। ज्वाला प्रसाद अभी हम आए हैं ज्वाला प्रसाद ओम प्रकाश A35 MP। गेहूँ यहाँ पे, गेहूँ के अलावा चावल और बहुत सारी दालें वाले भी मिलती है। और आज इनका रेट भी दिखा देते हैं हम आपको। राजस्थान का देसी 2620, राजस्थान का गेहूं, सकमनी, सरबती, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। अब इनमें चूज़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है। अभी सबसे बढ़िया कौन सा गेहूं वो है भाई? गेहूँ अतुल्य का आता है। अतुल्य का है? हाँ, वो अच्छा। 4300 रुपये है ये? 4300 रुपये का 100 kg 1 क्विंटल। अच्छा, MP का गेहूँ 3200 भी है, 4300 भी है। लेकिन हम एक ही ब्रांड लेते हैं। कौन से वाला लेते हैं? हम महक वाला लेते हैं ना। ठीक है, ये गेहूँ पर हमने लिया था तुल्ले का, लेकिन इसके अंदर है ना कीड़ा बहुत जल्दी ले जाता है। ये बहुत मीठा गेहूँ होता है, खुशबू भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन है ना तो 1 महीने के अंदर ही खराब हो जाता है। इसलिए अपने महक का लेते हैं जो बहुत अच्छा है। महक वाला कौन सा है? ये महक 3040 रुपये, 380 रुपये। तो हमें ये महक का लेना है 30 kg का। इसके अलावा यहाँ पे चने की बड़ी अच्छी अच्छी वैरायटी है। 2 तरह के चने हैं, दाल भी है, चने की दाल भी इनकी हुई है। हमें दाल लेनी है क्या? नहीं, चने ले लेना 2 kg। कौन से देने चने? इसके अंदर बहुत सारा स्टोर लगा हुआ है। यहाँ पे चावल भी बहुत सारे वैरायटी के हैं, 140 रुपये, छतरी, तेल भी है, बाजरा, मक्का, ये सोया है ना, ये ज्वार है, ज्वार है, मक्का, जो अलसी, मेथी, साझे सोया ये है ना, सोया। ठीक है, क्या क्या लेना है? सोया और वो ये 1 किलो, 1 किलो मक्का, 1 किलो सोया, सोयाबीन, और 5 किलो चने बताए। 5 किलो चने है ना? अच्छा अच्छा गेहूँ का ढेर अंदर इन्होंने दालों का ढेर लगा रखा है पूरा। ये पैकिंग हो रही है दाल की, ये कट्टों में आती है बोरियों में, उसके बाद ये पैक करके रखते हैं। राजमा दाल है, बिल्कुल साफ और ताज़ा दाल पैक होती है यहाँ पे। खाने में भी इनका स्वाद अलग ही मिलता है। हम जब भी यहाँ पे ना दाल चावल गेहूँ सब कुछ हम यहीं पे लेके जाते हैं मोस्टली। बिल बना दिया, बिल कितने का बना दिया हमारा? 1422 रुपये। तेल भी लेना है क्या? तेल एक ले लेना 5 लीटर, फिर बाद में भी काम आएगा। राजहंस 5 और दे दो जी।
क्या भाव है? पहले कितने का लिया था कुछ याद है? राजहंस ब्रांड है, पहले हम 15 लीटर ले गए थे, अभी 5 लीटर और ले रहे हैं। और बहुत दुकानें हैं यहाँ पर, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्हीं की चलती है यहाँ पे। काफ़ी ताज़ा सामान भी रखते हैं, दाल चावल गेहूँ तेल सभी मतलब फ्रेश होता है। आंटी ये तो है ना, जो लिखा है वही बोलते हैं, इनको पता नहीं ना इसके अंदर क्या है। हाँ बिल्कुल सफ़ेद होता है उसके। ये इसमें महका ही बोर्ड लाना क्यों? देखो एक और ऑर्डर मम्मी पापा का सारा खर्चा करोगे घर पे रह रह के। ये पसंद आ गया सारी चीज पसंद आ जाती है आपको तो। अब मैं पूरा स्टॉक पूरा कर दूंगी, साड़ी का कुर्ती का सूट का हर चीज का। रुआरिन सो रहा है, उसको कुछ काम नहीं है, बस सोते ही रहे। कैसे लगी खुशी, कलर कैसा लगा? पता नहीं, पता नहीं। पापा कैसी है? आज पूरा दिन रुक रुक के बारिश हो रही है बाहर, हम कहीं नहीं गए आज। सुबह एक बार गए थे गेहूं लेने, उसके बाद कहीं नहीं गए, पूरा दिन से अंदर है। यार अभी अपनी कटिंग करा के आया है आर्यन, कटिंग करा के आया है, है? नहीं। करा के तो आया है पर दिखा, आर्यन अपनी कटिंग करा के आया। ये देखो आर्यन ने डिनर कर लिया है, डिनर में आज दाल रोटी ही और सैलरी था, बस ज़्यादा कुछ नहीं। मैंने अपने लिए दलिया बनवाया था। देखते हैं आज मौसम अगर थोड़ा सा भी ठीक है तो बाहर घूमते हैं। मैं थोड़ा देर बाहर वॉक करने के लिए आई हूँ, बारिश रुक गई है, मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, थोड़ा देर ब्लॉक कर अब घूमते हैं। तो मैंने डिनर कर लिया था, रात के बज गए हैं 11:45, 11:30 का टाइम हो गया है। अभी ब्लॉग एडिट करना है, अपलोड करना है, तो आज का ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय।